हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है ना। रात भर यहाँ बारिश हुई है और अभी बारिश हुई होगी। और बेटी मेरी अभी सो के उठी है, अभी 8:30 का टाइम है। मैंने नहा लिया, पूजा भी कर लिया, नाश्ता भी बन गया, मेरे हस्बैंड ने नाश्ता भी कर लिया, बच्चे देखो कर रहे हैं नाश्ता। ये अभी जस्ट अभी सो के उठी है। और आप लोगों को एक बात बतानी है, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं छोड़ के, मुझे अकेले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घूमने। बैग वैग पैक कर लिया हूँ। देखिए इनका बैग वैग सब पैक हो गया है। जब अकेले ही जाते हैं घूमने, मुझे नहीं ले जाते हैं। सब रो रहे हैं बच्चे जाने के लिए, दोनों। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो तुम बताओ? वाह, सुना आप लोगों ने, गोवा जा रहे हैं मुझे छोड़ के अकेले घूमने। कोई बीवी को छोड़ के जाता है? ऑफिस की तरफ से जा रहा हूँ, पूरा ऑफिस स्टाफ कंपनी की तरफ से, ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं। इनकी टीम है, इनकी टीम में इतने सारे लोग हैं ना, अप्रोक्स 100 से भी प्लस है, 100 से भी ज़्यादा है। 3-4 शिफ्ट में सब गए, कुछ लोग वहाँ पहुँच गए हैं, मतलब सबकी फ्लाइट अलग अलग टाइम से है। तो इनकी है 11:00 मॉर्निंग में, अभी 11 नहीं 12 है। और इनके कुछ स्टाफ जो है वो 6 बजे की थी, वो लोग पहुँच गए। कुछ की दोपहर की 1 बजे की है, मतलब एक बार में नहीं जा रहे हैं। सबका टीम अलग अलग है, तो सबका टिकट जिस हिसाब से, जिस एक सबका टीम का अलग अलग है, मतलब आप समझ जाओ आप लोग। तो अभी ऑनलाइन रिक्शा बुक कर रहे हैं, फिर अभी निकलेंगे। अच्छा नहीं लगेगा, दिन में तो खैर ऐसे भी नहीं रहते, ऑफिस जाते थे, पर रात को अच्छा नहीं लगेगा। रात को कितना भी लेट आए लेकिन आते थे। 2 से 3 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी बाल में तेल लगाएंगे, उससे बहुत चिपकी चिपकी जैसा लग रहा है। बाय पापा, बाय बाय। बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय कर। चलिए फ्रेंड्स, मैं चल रही हूँ चाय पी। देखो बज रहे 10। किट्टू कर रहा है यहाँ पे पढ़ाई। कितने वर्ड्स बनते हैं बेटा, जल्दी कंप्लीट करो। इसको मैंने जोड़ा है, ये निकल नहीं रहा है। बहुत अच्छा है यहाँ का वेदर। लाल है आपका भी एकदम लाल। बैग लो। चलो अभी तो एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, 11 बजे की है, प्लेन में होंगे। बाय। चलो thank you.
टेस्टी। मेरा काम तो हो गया। बारिश के मौसम है लेकिन फिर भी गर्मी कितनी लगती है। चलो मैं अपनी बिटिया रानी को सुलाने फिर एडिटिंग करूं। तो सुलाना है इसे, ये सो जाए। विंडो देखो, पर्दे लगा रही है। मैं एक लिपस्टिक मंगाई, देखो लगाई हूँ, ऑनलाइन मंगवाई, कैसा लग रहा है? मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट्स करके बताना कैसा लग रहा है। पता ही नहीं चल रहा लगाई कि नहीं, कैसा लग रहा है। अभी 2 बज रहे हैं, टोटली काम हो गया है। पोछा तो लगाना नहीं है, झाड़ू सुबह ही लगाई थी। तो चलो मिलती हूँ एडिटिंग करने के बाद इवनिंग में। इसे सुला दूँ फिर मैं एडिटिंग करूँ। बहुत सारे वीडियो है ना, टाइम अगर होता है तो 2-2 वीडियो की एडिट कर लूँगी। जब के काम तो हो रखे हैं कि मेरा बेटा भी अब आएगा शाम को, तब तक चलो ठीक है, बाय। बेटे साहब आ गए स्कूल से, हो गई शाम, हो गई है, मैं बना रही हूँ चाय। रो रखे बेटी, रो रखे ना, दिमाग खराब कर दे रही है। मैंने इसको दूध भी दिया है, इसको मक्खी भी दिया है, लेकिन फिर भी ये रोए जा रही है, रोए जा रही है। वहाँ रख दो पूजा वाले रूम में, जाके अपने कपड़े पहनो, टी शर्ट पहनो, रोते नहीं, पी लो पी लो पी लो पी लो। क्या टूटा नहीं है ये, इसको तोड़ोगी तभी तो खाओगी। ये बॉडी टूटा हुआ, आप लोग बताओ ये टूटा हुआ है। चलो पी लो पी लो पी लो, नहीं पीना है, ए हेलो नहीं पीना है, ओके। तो चलिए आप लोग भी पीने चाय मेरे साथ, चाय के साथ मट्ठी है ये, चलिए पीते हैं। हमारी बिटिया रानी अभी जाके मानी है, अभी जाके मानी है, पी रही है। हाँ नहीं रोती, नहीं नहीं रोती। क्या चाय पी लूँ तो देती हूँ, ओके? नहीं, अरे चाय नहीं पीने दे रही मुझे। वहाँ पीऊँ? नहीं आज मेरा यहाँ पीने का मन है, आज सॉन्ग देखूँगी, सॉन्ग टीवी देखूँगी। मुझे टीवी नहीं देखने दे रही है, टीवी नहीं देख, मैं उल्टे यहाँ से चाय नहीं पी पाती। चलो पी लेती हूँ चाय। वैसे अच्छा लग रहा है लिप का कलर, आप पता चल रहा है। ये कढ़ाई मेरी कितनी जल चुकी है, इसमें मैं खासकर तरी हुई चीज़ें बनाती हूँ, जैसे पूड़ियाँ, पूड़ी हो गई, कचौड़ी हो गया, और भजिया पकौड़े, ये सब तलने वाली चीज़ें ज़्यादा यूज में करती हूँ। तो आज जा रही हूँ इसे डीप क्लीनिंग, मतलब इसको देखना इतना अच्छे से साफ़ कर दूँगी। पहले गर्म पानी किया, फिर इसमें 2 चम्मच पाउडर डाला, फिर 1 चम्मच सोडा, और ये नींबू के फूल हैं इसे कहते हैं, छोटे छोटे दाने, आप नींबू भी डाल सकते हो। और मैंने नमक भी डाला था पर वो मिस कर गई, और इसे मैं अच्छे से चला रही थी, 2 से 3 उबाल आ जाए, उसके बाद ये जब पानी ठंडा हो जाए, गैस बंद करने के बाद पानी ठंडा हो जाए, फिर इसे हम साफ़ करेंगे। और यहाँ पे मैं आटा इसमें डाल रही हूँ, आटे के डब्बे में। आटा ख़त्म हो गया था तो पूरा आटा आया नहीं, तो बाकी का पैकेट में ही रहने देती हूँ, उसे मैं बनाकर यूज कर लूँगी। जब वो ख़त्म होगा तब डब्बे का आटा यूज करूँगी।
और जब तक पानी भी ठंडा हो रहा है उसके बाद मैं उसे अभी अच्छे से साफ़ करूँगी। और जो कढ़ाई में जो पानी मैंने डाला था पाउडर का, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने उसमें मिलाई थी, जो मेरे किचन के डब्बे थे वो भी सब मैंने उसी में डाल दिए। ये देखिए, और विंडो वगैरह भी साफ़ कर दिया, बहुत भी विंडो भी जो तेल के छींटे से ना चिपचिपे हो जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दिया, साफ़ हो गए हैं विंडो का कांच वगैरह। यहाँ पे देखिए इस सारे पानी को मैंने फेंक दिया। देखिए मुझे कितना पसीना हो रहा है, ये पानी नहीं ये पसीना है मेहनत का। कहते हैं ना जो मेहनत करो तो जो पसीना निकलता है, मेहनत पसीना निकल जो इंसान मेहनत करे, ये मेहनत का पसीना है। मुझे ये कढ़ी साफ़ करने में मुझे इतना टाइम लग गया। ये कढ़ी जो मेरी गंदी थी, जिसमें मैं कोई भी चीज़ जैसे तला हुआ बनाती हूँ, पूड़ियाँ वगैरह, कचौड़ियाँ वगैरह, भजिया वगैरह, जैसी छोटी सी कढ़ी है ना बिना हैंडल, इसलिए मैं इसे देती हूँ। और ये एलुमिनियम का है, बहुत जल जाता है, लेकिन साफ़ करने में भी उतना ही मेहनत लगता है, लेकिन पर साफ़ हो जाता है। देखो लग नहीं रहा है, सगा न्यू कढ़ाई, न्यू लग रहा है, न्यू। बाद मैंने यहाँ भी साफ़ कर दिया, ये सारी चीज़ें हटा दी, ये सब ये डब्बे डुब्बी सब धो दिए। इसमें जो मैंने डाला था, जो इसमें पाउडर और जो भी मटेरियल डाला था उसी में मैंने बचा हुआ था तो डाल दिया, साफ़ कर दिया। अभी ये सारा स्लैब मुझे आज साफ़ करना है, अभी जा रही हूँ पूजा करने, पूजा करके आऊँगी, पीटर की सफाई करूँगी, खाना बनाऊँगी, 8 भी बज गए हैं, अभी पूजा करने शाम की, दिया बत्ती करने, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी, टाइम होगा तो साफ़ करूँगी, नहीं तो कल वो बेटे को पढ़ाना ज़रूरी है, पहले उसको पढ़ाऊँगी। बाय बाय, मेरा बेटा किट्टू, किट्टू खाना नहीं खाओगे बेटा, ए किट्टू बेटा, बेटा उठो बेटा, चलो खाना खा लो, खाना नहीं खाओगे किट्टू? देखो दीदी अभी पियो, अभी नहीं सोई, आप सो गए, चलो अभी बेड पे चलो, चलो बेड पे, सो गया, उठा रही है ये, उठ गया मेरा बेटा, सो गया, पूजा पाठ कर लिया मैंने, उसे उठा रही, वो उठ नहीं रहा, तो चलो मैं अब मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊँगी, बहुत गर्मी लग रही है, मैंने सोचा उसे पढ़ाऊँ, पर वो आज बहुत जल्दी उठा था, उसके पापा को जाना था ना सुबह जल्दी, 8:30 बजे वो निकल गए थे, तो 7 बजे का ही उठा है, इसलिए वो सो गया। और अभी अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी बहुत ही पहले का भी व्लॉग बाकी है, वीडियो एडिटिंग करना है, अपलोड करना है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहे अभी तक, तो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच किया करिए मेरे वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। गर्मी इतनी लग रही है कि इसकी ना हाल हो, लेकिन ऐसी चालू करूँगी तो सारी गर्मी भाग जाएगी, तो मिलते हैं आप लोग उसे, बाय बाय, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, टेक केयर, बाय। वो है नहीं तो आज अच्छा नहीं लग रहा है, और अभी रात को चलो लेट नाइट, तो उनकी आने की आदत थी 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 11 बजे, 11:30, 10, 10:30, वैसे ही आते हैं, लेकिन एक उम्मीद रहता था ना कि आते, अभी 3 दिन तो इन्जॉय करेंगे वहाँ गोवा में, फुल इन्जॉय, मुझे उनको मैं मिस करूँगी अभी 3 दिन तक, चलो बाय, टेक केयर, बाय।